हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटालेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, मूडीज ने इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल में कर दिया, विच मींस इंडिया का नेगेटिव आउटलुक कि भैया इनकी इकोनॉमी अच्छे से चलने वाली नहीं है, उसकी जगह पे ये बोला कि भैया इट विल बी स्टेबल। नाउ दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। But here, you can say, as a law student, we should be aware that what is this Moody's all about? What do you mean by this credit rating agencies? ये पूरा दुनिया क्या होता है credit rating agency का, ठीक है? क्या गणित बनता है? Company, you can say, जो credit rating agency है, वो companies को, that is firms को, that is commercial entities को और individuals को किस तरीके से रेटिंग देती है, वर्ल्ड में कौन सी बड़ी कंपनी है, इंडिया में कौन सी छोटी कंपनियां हैं, ये सब के बारे में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को समझने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि मूडीज एक ऐसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वर्ल्ड में बड़ी फेमस है। वर्ल्ड में बिग थ्री इज आर देयर, वन इज मूडी, अदर इज स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड थर्ड इज फिच रेटिंग। ओके, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड फिच ग्रुप, इन तीनों को कहा जाता है बिग थ्री। ये जिस कंट्री का जैसे क्रेडिट रेटिंग करते हैं, ठीक है भैया, उसका फ्यूचर बदल जाता है। ये सुनो, अभी बात यह है कि क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट समझ में आ गया होगा आपको, क्रेडिट माने लोन लेना। Yes or no? For example, let's say as a country, I am taking loan. हाँ, आपने सही सुना, countries take loans. ऐसा नहीं है कि आप और मैं ही लोन लेते हैं। Yes or no? Countries भी लेती है। When countries take loan from another country, ठीक है, और any other big international organizations like World Bank or IMF, ठीक है, और any such kind of organization, ठीक है, in what manner, ठीक है, वो they repay, कितने time पे repay करते हैं, ये सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत होती है उनको या नहीं होती है, ये सब एजेंसी, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी साथ साथ में ये भी बताती है कि ये जो कंट्री है, ठीक है, दैट इज इंडिया, जैसे अभी इन्होंने बोला ना, इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया का, ठीक है, नेगेटिव से स्टेबल कर दिया। सो दे ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। दोस्तों, इकोनॉमिक हेल्थ अगर कंट्री की देखनी है, सो यू कैन वेरी वेल सी दैट, यू कैन से थ्रू मैनी मैथड्स। वन ऑफ द मैथड इज कि भैया कंट्री का स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, दैट इज यू कैन से वो ऊपर उठ रहा है क्या। भाई आजकल तो इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो पता नहीं 60,000 के आजूबाजू पहुंच गया था, अभी 58 के आजूबाजू चल रहा है, निफ्टी 18,000 क्रॉस कर चुका। ये सुनो, सो भैया आप अगर स्टॉक मार्केट का डेटा देखेंगे तो आपको कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ पता चलेगी, ठीक है, साथ में जीडीपी का ग्रोथ रेट देखेंगे, साथ में कंपनी का, सॉरी कंट्री का जीएसटी कितना आया, ठीक है, कंट्री के पास से इनकम टैक्स कितना आया। ये सब अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा से हम कंट्री की हेल्थ देख सकते हैं, और यही सब डेटा ये मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसको देखते हैं। So let us understand what is this credit rating agency. ठीक है, credit rating agency is an assessment of credit worthiness of a borrower in general terms or with respect to a particular debt or a financial obligation. ठीक है, ये समझिए दोस्तों, credit rating is not only specific to, you can say, one product. So एक company है, ठीक है, let's say company A. कंपनी ए की जनरल क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसका भी रेटिंग पॉसिबल है, वो भी रेटिंग आता है। ठीक है, कंपनी ए ने लड़े से लेकिन से तीन अलग अलग तरीके के डेट लोगों से लिए, ठीक है, डेट एक्स, डेट वाई, ठीक है, और डेट जेड, ओके, ये उन्होंने लिए। हर एक का इंडिविजुअल क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है वो भी चेक होता है। दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, आर जनरली असाइनिंग क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, किसको भैया, इन कंपनियों को। ये कंपनियां क्यों क्रेडिट रेटिंग लेती है, उनको फायदा क्या है। दोस्तों, अगर वो कंपनी क्रेडिट रेटिंग लेती है, ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कार में, ठीक है, ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग आता है, विच इज
क्रैश टेस्टिंग के कि भाई कार कितनी सेफ है, ठीक है, तो हम उसकी रेटिंग को देखकर बोलते हैं वेरी गुड, दिस कार इज़ वेरी गुड, बहुत सेफ है, बहुत स्टडी है, बहुत स्ट्रांग है. सिमिलरली यहाँ पे कंपनी अपने डेट का रेटिंग करवाती है सो दैट कंपनी अपने डेट का रेटिंग करवाती है सो दैट दे कैन एक्चुअली गो टू वी कैन से मोर पीपल एंड कैन गेट ईजी डेट. रेटिंग है तो सबको क्लियर है कि भैया ये कंपनी जो पैसा ले रही है उस पैसों का रिटर्न जो हमें बता रही है उतने टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है. और इसीलिए लोग रेटिंग करवाते हैं, कंट्रीज करवाती है, कंपनीज करवाती है, ये सब नो, ठीक है, या इंडिविजुअल भी अपना रेटिंग करते हैं. भाई इंडिविजुअल कैसे करते हैं, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग फॉर इंडिविजुअल. बिल्कुल सही सुना आपने कि आपके मम्मी पापा ने अगर लोन लेके रखी होगी तो आपके मम्मी पापा का क्रेडिट रेटिंग निकला होगा. यस, यू हर्ड इट राइट. क्रेडिट ब्यूरो इन इंडिया इज एन एजेंसी विच कलेक्ट्स एनालाइज डेटा रिलेटेड टू इंडिविजुअल और अ बिजनेस, ठीक है, एंड दे आर यू कैन से कलेक्टिंग ऑल दिस डेटा ऑन द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस लाइक लोन कितनी ली, क्रेडिट कार्ड कितना यूज़ करा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है या नहीं है, ठीक है, और उसका रिपेमेंट कैसे करते हैं, ये सब को गणित लगाकर दे डेवलप क्रेडिट स्कोर. क्रेडिट स्कोर इज बिटवीन 300 to 900. आप समझ सकते हैं 300 एकदम पुअर होगा, 900 एकदम बेस्ट होगा, ये सुनो. और जनरली ये लोग बोलते हैं भाई 750 780 के ऊपर अगर आपका रेटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग गुड, यू आर टेकिंग लोन एंड यू आर रिपेइंग इट. इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, आर रजिस्टर्ड अंडर सेबी. आई एम श्योर यू नो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंडर में ये रजिस्टर्ड होती है. इंडिया में ऐसी 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल, आइकरा, केयर, स्मेरा, फिच एंड ब्रिकवर्क रेटिंग, ठीक है, और ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये 6 रेटिंग है, क्रिसिल, केयर, आइकरा, स्मेरा, ओनिकरा, ठीक है, ओके, एंड फिच वाला. दिस इज हाउ दी टोटल 6 रेटिंग एजेंसीज आर देयर. सम इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन इज क्रिसिल, 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था. इट इज सपोर्टेड बाई स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, वही बिग थ्री तो संभालेगी ना ये सब काम, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर. और इंडिया का 65% मार्केट इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, और इंडिया की सॉरी वर्ल्ड की 3 बिग कौन सी, फिच, मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर. अब हम बात करते हैं कि मूडी ने, ठीक है, इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको नेगेटिव से स्टेबल किया, ठीक है. नाउ व्हाई, बिकॉज आवर कंट्री इज डूइंग समथिंग गुड, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या गुड हो रहा है, ठीक है. दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो रहा है दैट कंट्री का फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग, ठीक है, बराबर है, दैट इज वेरी यू कैन से पॉजिटिव. ओके, सो दैट मीन्स कि भाई इंडिया का जो करेंसी, भाई इकोनॉमिक आउटलुक, एक कंट्री की बात हो रही है तो उसके मेजरमेंट का टूल क्या होगा, ये क्रेडिट की बात नहीं है, इकोनॉमिक आउटलुक की बात है. तो भाई इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक इज मेजर्ड थ्रू करेंसी, ठीक है, भाई इंडिया की करेंसी फॉरेन करेंसी के सामने कैसी है, ठीक है. सेज इट इज स्टेबल, विच मीन्स इन फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, अवर यू कैन से करेंसी विल नॉट फ्लक्चुएट अ लॉट, विल नॉट गो डाउन अ लॉट, दैट इज अ मीनिंग टू दिस. ओके, ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर, ग्रेट. सो दोस्तों ये है सोवरेन रेटिंग बाय मूडी के अलग अलग रैंकिंग है. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड इज गिवन एज AAA. AAA इज रेटेड एज हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है, ऑफ इन से सोवरेन डेट. सोवरेन रेटिंग है कंट्री का, अगर AAA है तो कंट्री बहुत आसानी से पैसे ले सकती है और बहुत आसानी से लोगों को लोन दे पाती है, ठीक है, और आसानी से लोन लेकर रीपे कर पाती है. सो दैट इज व्हाट द AAA इज, ठीक है. सबसे बुरा होता है Baa3, ओके, Baa3 दैट इज बुरा, उससे भी पीछे होता है जंक, ठीक है भाई. कुछ कंट्रीज होती है जिसका सोवरेन रेटिंग जंक है, ठीक है भाई, वो लोग लोन लेंगे तो भाई मज़ा नहीं है, जैसे बर्किना फासो, ठीक है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, वेनेजुएला, येमेन, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है भैया, इन लोगों का क्रेडिट रेटिंग में नाम ही नहीं होगा, ठीक है,
चलो कोई नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि ये रेटिंग है ट्रिपल ए, फिर डबल ए वन, डबल ए टू, डबल ए थ्री, ठीक है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये आपके स्कूल में जो आपको ग्रेड मिलते थे सब्जेक्ट्स के मुताबिक वही ग्रेड है, ये सुनो ग्रेड, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म रेटिंग है। अच्छा शॉर्ट टर्म में बोलते हैं प्राइम वन, प्राइम वन बाई टू, प्राइम टू, प्राइम टू बाई थ्री, प्राइम थ्री, इस तरीके के रेटिंग बनते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए लोन लिया, लेस देन अ ईयर, लॉन्ग टर्म इज मोर देन अ ईयर, ओके, चलिए ग्रेट, ठीक है। सिमिलरली लेकिन से जंक का रेटिंग रहता है सी, ओके, विच इज एकदम बुरा, ठीक है, एकदम बुरा, दैट इज हाउ द जंक स्टेटस, कि भैया इन लोगों को लोन देंगे तो ये कभी रिपे होगी नहीं। अब आप ये सोचते होंगे कि भैया उन लोगों को अगर लोन देंगे, ठीक है, तो ये लोग हमें भरपाई नहीं करेंगे तो कौन उसको लोन देगा। अरे भैया फिर भी लोग लोन देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस बंदे का रिस्क सबसे ज़्यादा, समझना, ठीक है, वो अपना प्रतीक गांधी स्कैम 1992 में बोलता है ना, इश्क है, मतलब सॉरी रिस्क है तो इश्क है, ये सुनो, तो भैया जहाँ रिस्क है वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है, तो इन लोगों को भी लोन मिलती है पर ज़्यादा रेट पे मिलती है, ओके, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो इंडिया को पहले बी ए डबल थ्री, यू कैन से इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बी ए डबल थ्री था, ठीक है, तो भैया हमको इन्होंने यू कैन से डाउनग्रेड किया था बी डबल ए टू से बी डबल ए थ्री पे। जब लास्ट ईयर इन्होंने डाउनग्रेड किया था, हमारे अखबार वालों ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने इसको बहुत बुरा भला बोला था कि मूडी कैसा है, है ना, ये तो बी डबल ए टू से बी डबल ए थ्री में कर दिया, ये लोग सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ को जानते हैं, हमें हुल देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारा रेटिंग बिगाड़ देंगे, ठीक है, ऐसा सब बोलते थे, ठीक है। हालांकि मूडी बोलता है कि भाई हमें लग रहा था कि आपके पास, दैट इज़ एज ए कंट्री, आपको आपकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, तो हम इसीलिए आपकी रेटिंग कम कर रहे हैं, ओके, आज जब रेटिंग नेगेटिव से स्टेबल हो गई तो हमें लगता है कि अरे वेरी गुड, ठीक है, जब हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है, हम खुश होते हैं, जब रिजल्ट बुरा आता है तो हम इगेंसे एग्जामिनर के ऊपर सवाल पैदा करते हैं, ये सुनो कि अरे इन्होंने पेपर अच्छे से नहीं लिया, समझ आया, वही इंडिया करता है, ठीक है, ये आदत है भैया इंडिया में, ठीक है ना, हम भी, मतलब आपने भी किया ही होगा, ठीक है, लास्ट ईयर क्लैट की एग्ज़ाम के अंदर जब प्रॉब्लम हुआ तो सभी बच्चों ने, अरे नहीं नहीं क्लैट वाले तो क्या ही पूछते हैं, है ना, वैसी ये मूडीज के साथ हो जाता है। मूडीज डाउनग्रेड इंडिया रेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 22 ईयर। व्हाट आर द रीजंस फॉर द डाउनग्रेडिंग? वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 2017, है ना, मोदी साहब बोले सबका साथ सबका विकास, ठीक है, पर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को सबका विकास दिखा नहीं, ठीक है, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ नहीं, ओके, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, ये सो नो दैट्स द बिग प्रॉब्लम, ठीक है, गवर्नमेंट की फिजिकल पोजिशन डिटेरियोरेट होने लगी, विच मीन्स गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ने लगा, ठीक है, हमारा इनकम का जो तरीका था, ठीक है, वो अच्छा था नहीं, और फाइनेंशियल सेक्टर पे बड़े स्ट्रेस पैदा हो रहे थे प्राइमरली थ्रू एनपीए, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या बड़े बड़े अच्छे रिफॉर्म नहीं हो पाए आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और उसकी वजह से ये हुआ नहीं, ठीक है। तो अब पोस्ट कोरोना रिकवरी अच्छी दिख रही है, गवर्नमेंट ने कोरोना के दौरान जो बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों की वजह से कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, देश में अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो भैया ये तो बूस्टर डोज था, एक इंजेक्शन था, उस इंजेक्शन की वजह से आज इकोनॉमी स्टेबल लग रही है, ये सुनो भैया थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, ठीक है, अभी भी करीबन 6 महीने जाने दीजिए, एंड देन वी हैव टू सी व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। हमारे यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन पागलपंती से बढ़ रहा है, तो अब अगले 2-3 साल भारत के कैसे जाएंगे वो देखने की बात है, ठीक है। हम महंगाई में बहुत ज़्यादा घुसने वाले हैं क्या, ये हमारे साथ दिक्कत होने वाली है, ऐसा लग तो रहा है, ये सुनो, चलिए। आई बिलीव दिस मूडीज रेटिंग आउटलुक मस्ट हैव गिवन यू कंप्लीट आइडिया अबाउट रेटिंग एजेंसीज, क्या करती है ये, क्या रेटिंग होती है, कौन सी कंपनियां होती है, और क्या बेसिस के ऊपर ये रेटिंग करती है।
आई बिलीव दिस आइडिया इज़ वेरी यूजफुल टू यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.